नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक CISF का। जो भी एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, मैं ये जो है GK GS का पूरा सॉल्व लेकर आया हूँ। टोटल 33 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी वाला हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सांसद द्वारा किया गया प्रथम विधायी हस्तक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा था? आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5 सेकेंड आपको मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आपका ये क्वेश्चन था और आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में CISF का। और इसका जो फिजिकल एग्ज़ाम हुआ था यानी कि पेट जो हुआ था, ये मई जून जुलाई 2019 में हुआ था और जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी एक पेपर है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और आप इसको तैयार कर लें ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग इसको पास कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 8 अक्टूबर, इसको आप पहले तो सही कर लीजिएगा, ये 8 अक्टूबर नहीं है, इसमें मिसमैच हुआ है, 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 1943। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतकालीन सरकार की स्थापना की। यह स्थापना कहाँ पर हुई? आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतकालीन सरकार की स्थापना की थी, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का सचिवालय किस नगर में अवस्थित है? आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, काठमांडू। काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है। सार्क से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें टोटल 8 कंट्री हैं। इसमें जो है टोटल 8 कंट्री आते हैं, जिसमें से पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान, पाँचवा इंडिया, छठा नेपाल और सातवा मालदीव और आठवां श्रीलंका। टोटल 8 देश है इसमें, जिसको मिलाकर बनता है सार्क। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया कि काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा पेपर ये मैंने उठाया है। पांचवा है आपका टर्नेडो, मतलब कथनों पर विचार करना है आपको, टर्नेडो क्या है? तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आप जल्दी से बताएं कि टर्नेडो क्या है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, प्रति चक्रवात होते हैं और ताप चक्रवात होते हैं। अगर इसको कूट भाषा में आप लिखेंगे तो आपका डी आंसर सही होगा, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, एक शीर्ष निकाय है जो योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सातवां क्वेश्चन है आपका, शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित यानी कि एकत्र करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां है, सौर परिवार में शनि किनके बीच अवस्थित है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यूरेनस और बृहस्पति। यूरेनस को अरुण कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, अरुण, यूरेनस को अरुण कहा जाता है और अरुण और बृहस्पति के बीच में जो है स्थित है कौन, शनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन किस वजह से होते हैं। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दसवां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बनाया है, ये एग्जाम में हुआ था, वही क्वेश्चन है। दसवां क्वेश्चन है आपका, डांडी मार्च आरंभ करने में गांधी जी का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो या आपको सही लगे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, नमक कानून का उल्लंघन करना ही गांधी जी का डांडी मार्च उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारहवा है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीन दिए हैं आपको, भीतरकणिका मैंग्रोव ये कहाँ पर है आपको बताना है, जोग जलप्रपात कहाँ पर है आपको बताना है, और फूलों की घाटी ये कहाँ पर उपस्थित है आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते रहते हैं, बताइए जल्दी से। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, पहला और तीसरा जो है सही है, यानी कि भीतरकणिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में स्थित है और तीसरा जो फूलों की घाटी ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो जोग जलप्रपात की बात आती है तो ये कर्नाटक, हिमाचल में नहीं कर्नाटक में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सही होगा बी, पहला और तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बारहवा है आपका, हाल के समय में एक शैवाल स्पाइरुलिना को निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत होने के कारण लोकप्रिय बनाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटीन, जो स्पाइरुलिना है ये एक प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेरहवां क्वेश्चन, प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में अवस्थित है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किस एक में अनुवांशिकता रूपांतरित किस्म उत्पादित की गई है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, टमाटर की अनुवांशिक रूपांतरित किस्म उत्पादित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, अभी हाल में स्वास्थ्य क्षेत्र समाचारों में बारंबार आता रहा है, यह कहां पर स्थित है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यह पाकिस्तान में स्थित है, स्वास्थ्य क्षेत्र जो है पाकिस्तान में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोलहवा है आपका, गोलीबारी करते समय तोप के गोले को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए तोप की नाल का धरातल से कोण कितना होना चाहिए। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सत्रहवा है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि त्रियोत्तर गति से चलती है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, हवा में जो है ध्वनि तीव्र गति से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको मिलाना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप जल्दी से बताएं। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा, केवल 2 और 3। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो है नया नाम है नवाहा सेवा। इसका जो नया नाम है नहावा और सेवा कहा जाता है, इसका जो नया नाम है। और ये जो है नवी मुंबई में, ये जो आंध्र प्रदेश दिया है ये गलत है, ये जो है नवी मुंबई में स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कंडाला बंदरगाह, जो कि बहुत ही अच्छा बंदरगाह है। इसका नाम है नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है आपका पारादीप बंदरगाह, जिसे पत्तन भी कहा जाता है, ये जो है उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपका आंसर सही है, तो ये जो है ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के किस प्रधानमंत्री को जय जवान जय किसान नारे का श्रेय दिया जाता है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय जवान जय किसान हम सब शुरू से ही सुनते आए हैं, किसने कहा है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने हमें जय हिंद का नारा दिया। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े निर्वाचन अर्जी सहित सभी मामलों पर जांच और विनिश्चय कौन करता है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि राष्ट्रपति से जो भी संबंधित होगा वो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उसे हिंदी में बोलते हैं, वही करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर, शक्ति जनन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स कहाँ पर या किस नदी पर स्थित है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर स्थित है और नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको मिलाना है और बताना है किस पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक ही सही है, यानी कि टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर स्थित है और एक नदी और, ये 2 नदियों पर स्थित है, जिसे वीलांगना नदी भी कहा जाता है, वीलांगना नदी और भागीरथी नदी पर मिलकर ही टेहरी बांध बना हुआ है। और अगला है आपका विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना, ये जो है अलकनंदा, मंदाकिनी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यह अलकनंदा नदी पर स्थित है और ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। अगला है आपका नाथवा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ये जो है सतलुज नदी पर जो है बना है और ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि टोंस नदी पर नहीं है, सतलुज नदी पर है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन केवल एक सही होगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही था, टेहरी जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ के लिए हम अलग से एक सेट लाएंगे, हम केवल आज जीके करा रहे हैं। अगर आपको चाहिए मैथ और अन्य सब्जेक्टों का सेट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25वां है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक रबड़ का सबसे अग्रवर्ती उत्पादक राज्य है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपको करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो रबड़ के लिए तीनों राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है। लेकिन ये पूछ रहा है प्राकृतिक रबड़ का सबसे अग्रवर्ती यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य, तो आपका होगा केरल। आपका ऑप्शन डी सही होगा, केरल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है प्राकृतिक रबड़ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 26वां क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका पहला कथन है, उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार वे ही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका ऑप्शन जो है दोनों सही होगा, यानी कि इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ये सही है, और इसे हटाने की प्रक्रिया और आधार जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक इसको भी ऐसे ही हटाया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें से जो है सी सही होगा, एक और दो दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां है, डूरंड रेखा किन्हें पृथक करती है यानी कि अलग करती है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिया है, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो रेखा अलग करती है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम सब हमेशा सुनते आए हैं इस क्वेश्चन को, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका श्रेय किसे दिया जाता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को यह कहा जाता है, इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप पढ़ लीजिए इसको, पहला है, साइमन कमीशन का प्रयोजन यद्यपि भारत के लिए भावी संविधान का निर्माण था तो भी उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया, क्या ये सही है। कमीशन के सदस्यों ने देशव्यापी आंदोलन के चलते अपना कार्य समाप्त कर दिया, तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें से केवल पहला ही सही है, साइमन कमीशन का प्रयोजन यद्यपि भारत के लिए भावी संविधान का निर्माण था लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन लोकसभा का स्पीकर भी था। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं राष्ट्रपति बनने के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे या स्पीकर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची से सूची आपको मिलाना है कैसे सही है कौन गलत है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है कि मिलाना है, तो कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो नेपा नगर है ये किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है, दूसरा है भोपाल ये किस लिए प्रसिद्ध है आपको मिलाना है इसमें, और तीसरा है कोलकाता, चौथा है पेरम्बोर ये किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो नेपा नगर आप सबको पता है कि यह कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और भोपाल जो है भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर कागज़ के लिए, भोपाल जो है भारी वैद्युत उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, और कोलकाता जो है आपका कपास के लिए प्रसिद्ध है, और पेरम्बलुर जो है रेलवे उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 32वां है, वायुमंडल में हवा के संचलन के पीछे मुख्य कारण क्या है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें पता किया जा सकते। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन तो अभी और हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो यहीं पे मैं स्टॉप देता हूँ। तो 33वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन गैस है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य टॉपिकों पर वीडियो बनवाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और खूब वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।